आज हम हरे चने में से एक क्रिस्पी और करारा टेस्टी स्टार्टर बनाएंगे, चना वड़ी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमें चाहिए हरा चना 1 कप, साथ में 1 कप चावल का आटा और 3 कप बेसन यानी कि चने का आटा। साथ में चाहिए प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक, हल्दी, नमक, हरा धनिया और खाने का सोडा और तलने के लिए तेल। सबसे पहले हम मिक्सी जार लेंगे, इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम पिंच ऑफ नमक डालेंगे। इस पेस्ट को हम बाउल में रख देंगे। इसी जार में हम हरा चना क्रश कर लेंगे। हरा चना हमें ज्यादा पेस्ट नहीं बनानी है, उसे दरदरा ही पीसना है। इसे भी बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और साइड में रख देंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे जिसमें हम चावल का आटा, चने का आटा डालेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के मुजब डालें। पिंच ऑफ हल्दी डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, चने का पेस्ट डालेंगे। प्याज, लहसुन और हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे और इसका हम एक बैटर बनाएंगे। पानी हमें साथ में नहीं डाल देना है। अगर इस चना वड़ी को आप फ्राई करना नहीं चाहते तो ऐसा इसका थिक बैटर रखिए और अपम पात्र में चना वड़ी को सेलो फ्राई कर लीजिए। पर अब हम तो इसे डीप फ्राई करने वाले हैं, तो अब इसमें हम और पानी डालेंगे और एक पतला सा बैटर बनाएंगे। मैंने 2 ग्लास पानी डाला है इसमें। एक से दो मिनट के लिए इसे फेंट लेंगे। हमें इसे ऐसा बैटर चाहिए, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला। अब इसमें हम पिंच ऑफ सोडा बाय कार्ब यानी कि खाने का मीठा सोडा डालेंगे।
अब हम चना बड़ी को डीप फ्राई कर लें। हमें गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करना है। ये हमारी गोल्डन फ्राई चना बड़ी रेडी है। इसी तरह हम और भी चना बड़ी फ्राई कर लेंगे। ये टेस्टी चना बड़ी सर्व करने के लिए रेडी है।